स्टूडेंट को कल आई एग्री इट्स अ गुड थिंग बिफोर योर लास्ट वीक आई प्रॉमिस यू यू विल अचीव यू विल अचीव इट इज एनफ फॉर मी विल अचीव पीपल विल रिमेंबर बोथ यू एंड मी फॉर अचीविंग द प्रोजेक्ट दे विल रिमेंबर अस नॉट एज मिनिस्टर नॉट एज पॉलिटिशियन बट फॉर अचीविंग दैट यू डोंट वरी यू जस्ट रिमेंबर थिंग्स I promise you. Somebody who is moving to Delhi and the station there and they will forget Tripura. Don't worry. NC Babu से मिलने आया था. उनका तबीयत ठीक नहीं मैंने मीडिया में सुना था और कल भी मेरे CM पूर्णचंद्र जमतिया निमिष से बर्मा सब आए थे. आज मुझे लगा कि मैं भी आकर उनसे एक बार मिल लूँ. उनका तबीयत ठीक नहीं है. बहुत सीनियर लीडर है तो अक्रॉस पार्टी लाइफ आकर उनसे एक बार उनका हाल चाल पूछने के लिए मैं आया था. वो उनका तबीयत ठीक है इज़ रिकवरिंग वेल और मैं आशा करता हूँ कि थोड़े दिन के बाद वो हॉस्पिटल से बाहर भी हो जाए. डॉक्टर के साथ की बातचीत हुआ क्या हुआ था? नहीं हुआ. उनके ग्रैंडसन थे उनके ग्रैंड डॉटर थे. आई नो हिज ग्रैंडसन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मेरा पर्सनल रिलेशनशिप भी है उनके साथ तो मैंने उनसे बात की है. इज़ ओके. इज अ शुगर पेशेंट ऑल्सो. डिहाइड्रेशन था. ठीक हो जाएगा. आई डोंट थिंक दैट हमको कुछ इतना चिंता. कब तक घर ले जाएगा वो डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है. लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी हो कहीं से भी हो बहुत सीनियर लीडर्स हमारे आज मत में नहीं है तो कभी कोई भी सीनियर लीडर को कुछ भी हो तो हमें सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आना चाहिए अक्रॉस पॉलिटिकल. अभी स्टेबल है एकदम स्टेबल है. देखिए मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि पर्सनल रिलेशनशिप्स हमेशा मेंटेन करना चाहिए और मैंने ये कभी नहीं किया है कि मैंने किसी से पर्सनली दुश्मनी की. कोई भी हो कहीं भी हो अगर किसी का तबीयत ठीक नहीं है तो एक कर्तव्य बनता है हमारा कि एक दूसरे को सहायता करें. नॉट ओनली लीडर्स बट कोई भी और. मैं इसके लिए इसमें पॉलिटिक्स को लाना भी नहीं चाहता हूँ. मैं ऐसे रखा पॉलिटिशियन हूँ भी नहीं. मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनका भी ख्याल रखा जाए और उनसे भी हम बहुत चीज़ सीख सकते हैं इसके लिए. अभी उम्र कितना है? He's around 85-86. So he's a very senior person. He's my father's age. अगर मेरे स्वर्ग महाराज जिंदा होते तो वो भी आज यही लगभग महाराज है. वो अभी 88. He's 86. So लगभग 80. कल जो बैठक हुआ था इसके साथ बातचीत हुआ क्या? नहीं देखिए कल का जो मीटिंग था मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि अगर आपको ज्वाइंट कमिटी करना है फॉर त्रिपुरा स्टेट और ग्रेटर त्रिपुरा पहले IPFT को स्वीकार करना पड़ेगा कि दे एक्सेप्ट अ डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा. मैं उनका डिमांड को सपोर्ट करता हूँ. उनको भी मेरा डिमांड को ओपनली सपोर्ट करना पड़ेगा. सेकंड चीज़ है मैंने कहा है कि हमको क्लैरिटी चाहिए कि ये डिमांड जब तक कोई नेशनल पार्टी हमें राइटिंग में ना दें हम उनके संग अलायंस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कमिटमेंट हमारे लोगों के साथ है और हम धोखा नहीं देना चाहते हमारे जनजाति लोगों को त्रिपुरा लोगों को जो अभी गाँव में है और उनके ऊपर हमारा आशा है. तो मैंने कहा है कि हम कोई भी चीज़ विदाउट राइटिंग में विदाउट ब्लैक एंड व्हाइट में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. 2023 में जो चुनाव होगा आप कि अकेले लड़ेगा त्रिपुरा में? अगर कोई ने मेरा बात नहीं माना तो मैं अकेला लड़ूंगा. और अगर कितना सीट अगर जितना होता है लड़ेंगे 35 सीटें लड़ेंगे. और मैं बोल रहा हूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ पैसे के लिए पोस्ट के लिए नहीं करूँगा क्योंकि हमारा पोजिशन बहुत क्लियर है. जो पोलिटिकल पार्टी हमारे संग आना चाहता है उनको हमें हमारा मुद्दा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनके संग अलायंस करना. एक ह्यूमर उठा जो तृणमूल के साथ अब एक साथ लड़ेगा ये भी तृणमूल अगर हमें राइटिंग में देता है तो. लेकिन तृणमूल से आज तक मेरा कोई मीटिंग भी नहीं हुआ है बात भी नहीं हुआ है. जो भी आए हैं मेरा सुष्मिता के संग व्यक्तिगत तौर में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई अलायंस के बारे में बात किया है. अगर मेरा जो डिमांड है उसमें अगर आदमी आकर राइटिंग में हमें दे तभी हम बात करेंगे वरना सवाल नहीं बनता. आई डोंट वॉन्ट टू फूल द पीपल ऑफ त्रिपुरा. मैं त्रिपुरा के लोगों को झूठ बोलकर राजनीति करना नहीं चाहता हूँ. मैं अपने लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता हूँ. जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देने के लिए बात करेगा हम बात करेंगे. अगर नहीं करेगा तो हम अलायंस नहीं करेंगे. थैंक यू.